genau. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं हमीदुल्लाह खान। दिल्ली की तरह वही मसरूफियात हैं, वही मेरा जो पेट्रोल पंप है जहां मैं काम करता हूं वहीं बैठा हूं। तो अभी अभी एक गाहक आया मेरे पास पेट्रोल लेने, तो जब मैं पेट्रोल लेने लगा हूं तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो। जब मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डाल दिया तो जब उसने पैसे दिए अपनी तरफ से 100 रुपया करके, तो जब मैंने पैसे लिए तो पैसे मैंने देखे थे वो 100 रुपया और भी था, 200 रुपये थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना 100 रुपया अपनी जेब में डाल दिया, तो 100 रुपया उनको वापस कर दिया। फिर मैंने कहा चाचा जी आपके जो पैसे ना पेट्रोल के मैंने नहीं लेने। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा वैसे बस मेरा दिल कर रहा था कि आपको फ्री पेट्रोल दे दो। तो उसने कहा कि यार मजाक ना करो, मैंने जाना है, मुझे देर हो रही है, मुझे सब्ज़ी लेनी है घर और मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो मजाक ना करो पैसे ले लो। तो मैंने कहा मैंने आपको कौन सा रोका है, तो आप जो मैं जो जिसको जो आपको देर हो रही है। तो उसने जब जाने लगा तो कह रहा है कि यार तुमने कोई इलेक्शन में वोट तो नहीं खरीद रहा? तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमने क्या इलेक्शन में वोट खरीदने हैं, हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं। तो वही इलेक्शन वाली बात याद आई मुझे। अब इलेक्शन हो रहा है, ये 2024 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, तो इस बार तो वही जो पहले की तरह इलेक्शन होता था उस तरह तो नहीं है, बिल्कुल एक सन्नाटा छाया हुआ है। पहले क्या हुआ करता था मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 2013 का 2018 का इलेक्शन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। 2013 को जब नवाज शरीफ साहब जीते थे और उसके बाद 2018 को इमरान खान साहब जीते थे, तो उस बार ना तो बहुत बड़ा एक जोश, एक बड़े वो जलसे जुलूस रैलियाँ निकला करती थी। तो उनकी हर पार्टी की अपनी नहीं एक मखसूस गाड़ी हुआ करती थी जिस पर ये लाउड स्पीकर लदे हुए थे, तो उन पर पार्टी नगमे लगा करते थे, तो गलियों गलियों में पार्टी नगमों की आवाज़ आती थी। इस बार तो बिल्कुल सन्नाटा है, उस बार तो बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स, इस बार तो कुछ भी नहीं है, एक छोटे छोटे पैनाफ्लेक्स मैंने तो अभी तक नहीं देखे और ना ही कोई बड़ी रैली देखी हो। इस बार तो इलेक्शन तो हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था, इस बार भी वही नून लीग अपनी पोजीशन में खड़ी है, वही पाकिस्तान पीपल पार्टी भी अपनी पोजीशन में खड़ी है। अलबत्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था जिसका वजूद था वो तो ख़त्म कर दिया गया, उसकी एक जो पहचान होती है एक इंतखाबी निशान होता है, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर उसका इंतखाबी निशान शेर है तो पीपल पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी का उनका तीर है। अब अगर निशान शेर को ख़त्म कर दिया जाए तो कोई और दे दिया जाए तो वो तो समझ में आती है, लेकिन इस बार जो तहरीक इंसाफ का एक तो बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया गया तो उसके जो कैंडिडेट हैं वो सारे आज़ाद खड़े हुए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में एक मिसाल के मुताबिक एक शुमार भी नहीं हो रही। अलबत्त जो कैंडिडेट खड़े हुए ना आज़ाद, उनको तहरीक इंसाफ की भरपूर सपोर्ट हासिल है और वो भी अक्सर जगहों पर ये वीडियो आई है कि वो हलफ दे रहे हैं कि हम जीत के ना तहरीक इंसाफ को ये सीट देंगे। तो अब जो उनका इंतखाबी निशान है, किसी का वो बैंगन है तो किसी का ये चुमटा है, किसी का कसी है तो किसी का वे ये जूते हैं, किसी को ये बोतल इंतखाबी निशान दे दिए गए हैं। तो इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन इस बार इलेक्शन बिल्कुल समझ के बाहर है, क्योंकि ये ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसको पता नहीं अब क्या कहें। अभी यही खबरें भी आ रही हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिसके मिसाल के मुताबिक जिसका जो इंतखाबी निशान जूता है, अगर उसने कोई इमरान खान पीटी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनके वर्करों को भी गिरफ्तार कर रही है। तो अभी मैं देख रहा था एक जलसा हो रहा था तौसा शरीफ में, तो वहाँ जो ये उम्मीदवार हैं ख्वाजा शिराज महमूद और एक और उनका उम्मीदवार उनका जलसा था, तो जलसे से पहले ही पुलिस वहाँ आ गई और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं जो उनके सपोर्टर हैं उनको गिरफ्तार करके ले गई है। तो ये एक इलेक्शन बिल्कुल समझ से बाहर है, लेकिन बहरहाल जो भी इलेक्शन हो, जो भी उम्मीदवार अब ये जो हलकों में आ रहे हैं, तो ये उम्मीदवार अब 1.5 महीना से आ रही हैं, ये वोट मांग के फिर चले जाते हैं, इन्हें दोबारा नहीं आना। तो आपने कोशिश करनी है कि उस उम्मीदवार को वोट दें जो आपके भलाई के लिए, जो आपके मुस्तकबिल के लिए, जो आपके लिए सोचे, उनको नहीं देना, क्योंकि ये 1.5 महीना आएंगे फिर आपको 5 साल इनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बाद ये आपको बाद में नज़र आएंगे, 5 साल से पहले इनको आपको नज़र भी नहीं आएंगे। अगर आप इनके किसी घर या किसी डेरे पर चले जाएँ तो ये अक्सर ये या तो सोए हुए होते हैं या तो ये इलाके गैर में होते हैं। तो आपने इस बार सोच समझ के वोट डालें, वोट डाल लाजमी डालें, क्योंकि जिसको भी डालें सोच समझ के डालें जो कि आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचे। तो और तो ये कुछ नहीं देनी, ना ही आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कुछ देना, ना ही आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ देना है और ना ही पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कुछ देना, लेकिन एक अमानत है, लेकिन उसी को दे दें जो आपके लिए ज़्यादा ना कुछ बेहतरी का सोचे तो उसको वोट दें। तो यही बातें करनी थी। अब ये बात मुझे याद क्यों हुई, क्योंकि उसको जो मैंने पेट्रोल डाल दिया तो उसने मुझे आखिर में ना दुआ दी,
मुझे याद आया कि यार अगर यही कैंडिडेट यही उम्मीदवार कुछ थोड़ा अच्छा अगर यही हम हल्के अपने हल्के वाले लोग अगर इन उम्मीदवारों को अच्छे उम्मीदवारों को अगर चुने तो वो कल को हमें अगर अच्छा काम करके भी दे तो हमारे मुँह से उनके लिए दुआ ही निकले। बस यही बातें करनी थी। और उसके बाद ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल नया बनाया हुआ है, मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप ही अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो इस इंशाल्लाह आपका भरपूर साथ चाहिए। तो बस यही बातें करनी थी। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।